जलाती आग से, नहीं तो इनके खून से। तो भाई रेबेल स्टार कहे जाने वाले एक्टर प्रभास की मूवी सलार रिलीज होते ही 90 करोड़ का कलेक्शन करके साल 2023 की सबसे ज्यादा ओपनिंग लेने वाली फिल्म साबित हुई और इसके बाद से ये मूवी हिंदी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़ व मलयालम इन सभी भाषाओं में काफी अच्छा कलेक्शन की। और अब मूवी का 11वें दिन का कलेक्शन जो है वो निकल कर सामने आ रहा है, तो चलिए जान लेते हैं कि सलार मूवी अपने 11 दिन में इंडिया और वर्ल्ड वाइड से कितनी कमाई कर चुकी है। तो बने रहना इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। प्रशांत नील जी के डायरेक्शन में बनी सलार मूवी बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई कर रही है और तो और ये मूवी कई रिकॉर्ड अभी तक अपने नाम कर चुकी है। रेबेल स्टार प्रभास की एक्शन पैक्ड क्राइम थ्रिलर इस मूवी को ऑडियंस काफी पसंद कर रहे हैं। मूवी अपने पहले हफ्ते में 300 करोड़ प्लस का बिजनेस कर चुकी है और दूसरे हफ्ते में मूवी के कलेक्शन में जबरदस्त उछाल आया। इसी बीच इस फिल्म को काफी कंट्रोवर्सी का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि कुछ लोग अफवाह ये फैला रहे थे कि मूवी का कलेक्शन फेक है। सलार मूवी अपने 11 दिन में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन करने में सफल रही। इसी तरह मूवी इंडिया में सभी भाषाओं को मिला के 360 करोड़ 65 लाख की कमाई कर चुकी है अपने 11 दिनों में और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस यानी दुनिया भर से ये मूवी 530 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है। तो सलार मूवी अगर आप देख चुके हैं तो ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। और बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस से जुड़े ऐसे ही तमाम नए नए अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल आरियल फिल्मोनिया को जरूर सब्सक्राइब करें।